LH हार्मोन जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, मस्तिष्क में पाई जाने वाली पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा यह हार्मोन बनाया जाता है। LH हार्मोन यौन संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी इसका गोनेट्स से संबंध होता है। बेशक ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निकलता है, पर इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या का कारण यह हार्मोन हो सकता है अगर इसमें कमी या फिर गड़बड़ी आने पर। यानी बाल अवस्था में यानी शिशुओं में यानी LH का जो स्तर है वो अधिक होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है यानी 10 साल या फिर 14 साल यानी यौनावस्था का प्रारंभ होते ही इस हार्मोन की कमी आने लगती है, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं। जंगाओं पर बाल आना, फीमेल में ब्रेस्ट का निकलना, इस तरीके के कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और पुरुषों में यानी जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उनको बनना और महिलाओं में एस्ट्रोजन का बनना, इस तरीके के कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो LH हार्मोन का सीधा गोनेट्स से संबंध होता है। तो गोनेट्स के बारे में आप जान लें, वे हार्मोन जो जनन इंद्रियों द्वारा स्रावित होते हैं उसको हम गोनेट्स कहते हैं या फिर गोनेडोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। तो कुछ इंजेक्शन के ऊपर मैं वीडियो बनाया था, पूरी डिटेल के साथ बनाया था, शायद आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो महिलाओं में LH मस्तिष्क से निकलता है, और जो पुरुष हैं उनमें यानी LH की वजह से टेस्टोस्टेरोन के कारण जो शुक्राणु का जो निर्माण है LH की वजह से होता है। लक्षण की बात करें तो यानी वे इस तरीके के लोग या फिर मेल या फीमेल जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं या फिर जो पुरुष हैं वो नपुंसकता का शिकार हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर इस तरीके की महिलाएं जिनको एमसी पीरियड टाइम पर नहीं आता है, या फिर रजोनिवृत्त की समस्या है, या फिर उनके जो स्पर्म्स हैं वो यानी कम मात्रा में है, तो आप एक बार LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसका आप टेस्ट करवाएं। तो इससे आपको यानी जो कंसाइव और एग रैप्चर की जो प्रक्रिया है उसमें मदद मिलेगी। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देखें। यानी LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों यानी मिलकर लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन का जो को बनाने का काम करते हैं। दोनों ही हार्मोन हैं यानी जो कि गर्भधारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसकी कमी आने पर यानी जो मेल है उसमें शुक्राणुओं की कमी या फिर वो नपुंसक रह जाता है। महिलाओं में यानी एस्ट्रोजन की कमी या फिर LH जो हार्मोन है यानी ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसकी कमी आने पर या फिर गड़बड़ी आने पर वे बांझपन का शिकार यानी इनफर्टिलिटी का शिकार और इस तरीके की महिलाओं में एमसी पीरियड टाइम पर नहीं रहता। तो कारण कई हो सकते हैं। अगर आपने जैसे गर्भ गिराने वाली जो टेबलेट है उसका इस्तेमाल किया है जैसे मीसोप्रिल किट, या फिर आप जैसे गर्भ गिरा दिया है उसके बाद आपके फीमेल में ब्रेस्ट मिल्क आना स्टार्ट हो गया है, तो आपने एक कैपगोलिन नाम से टेबलेट आती है उसका इस्तेमाल किया होगा, तो इस वजह से कुछ हार्मोन यानी गोनेट्स के जो हार्मोन है उनमें गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। मेल में यानी इनफर्टिलिटी की समस्या या तो आपने शादी होने से पहले जो इंटरकोर्स ज्यादा किया है या फिर अस्तमेदुन ज्यादा किया है, तो उस कंडीशन में भी ये हार्मोन जल्दी गड़बड़ कर सकते हैं, या फिर यौन अवस्था यानी जवानी कुछ लोगों में जल्दी आ जाती है उसका कारण कई हो सकते हैं, इसकी डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो लक्षण की बात करें तो नपुंसकता आना इस यानी LH हार्मोन की वजह से, और जो इनफर्टिलिटी की समस्या आना, एमसी पीरियड टाइम पर ना आना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और प्यूबर्टी यानी जवानी जो है जल्दी या देर से होना, इस तरीके की समस्या यानी LH हार्मोन में गड़बड़ी या कमी की वजह से आप हो सकती है।
यानी LH अगर आपने ट्रीटमेंट कराया भी, इस तरीके के लोग जिनके अंदर खास, पहले मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, उन यानी शादीशुदा जो फीमेल है या शादी वो उनके जो माता पिता है वो शादी के लिए, यानी उनकी उम्र हो गई है, वो उनके लिए लड़का देख रहे हैं और उनको ये मालूम नहीं है कि उनकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो बंद है या फिर बच्चेदानी में कोई गठान है या फिर फैलोपियन ट्यूब में गठान है, तो इस तरीके का ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आपको फायदा नहीं होगा जब तक कि वो गठान नहीं हटेगी। दूसरा, पैदाइशी कुछ लोग यानी जन्मजात जो लोग यानी बांझ हैं या फिर नपुंसक हैं, तो उनको यानी मुश्किल ज्यादा खड़ी होगी इस तरीके के व्यक्ति में जो पैदाइशी नपुंसक हैं, या फिर इस तरीके के लोगों को ठीक जल्दी किया जा सकता है जिनमें यानी बाद में इस तरीके की प्रॉब्लम आई है उस कंडीशन में। और मैंने जो वीडियो बनाए थे शायद आपने देखे होंगे, जैसे कि कंसेप्ट एंड एग रैप्चर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जिसमें पूरी डिटेल यानी इनफर्टिलिटी को ठीक करने के ऊपर था, यानी किस तरीके से संबंध हम किस तरीके से दवा दें जिससे कि हमारी इनफर्टिलिटी की समस्या जो है सॉल्व हो जाए। FSH के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है उसके ऊपर भी, तो आज LH के ऊपर बनाया है। तो LH का सीधा तात्पर्य यानी संबंध गोनेट से होता है। गोनेट्स मतलब जन दो, यानी वे इंद्रियां जिससे वे जनन इंद्रियां जिससे यानी सॉरी वे हार्मोन जो जनन इंद्रियों से स्रावित होते हैं उनको हम गोनेडोट्रोफिन गोनेट्स कहते हैं, या फिर वे इस तरीके की दवाएं या फिर इस तरीके के हार्मोन जो जनन इंद्रियों से निकलते हैं तो उनको गोनेट्स या फिर गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो कई तरीके के इंजेक्शन आते हैं जैसे हिपकॉक या फिर हुकॉक नाम से 5000 नाम से इंजेक्शन आता है, और भी दवाइयां आती हैं। वे फीमेल जिनके अंडे नहीं बनते और नष्ट हो जाते हैं तो उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं। कंसाइव और एग रैप्चर के ऊपर भी वीडियो बनाया था विथ मेडिशियन विथ इंजेक्शन के साथ में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं क्लिक करें और वो वीडियो देखें। अगर आपने FSH वाला जो वीडियो नहीं देखा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाला, तो वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।